जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल यानी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। सभी भक्तों को, सभी महानुभावों को, सभी मित्रों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी कृपा पर बनी रहे। माता रानी कृपा से आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे वीडियो बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में ही जानकारी दूंगा। वर्तमान समय में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाला 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक। अश्विन माह में प्रतिपदा से लेकर जो है नवमी तिथि तक जो शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है और इसके अगले दिन विजयादशमी रहती है यानी कि दशहरा मनाया जाता है। और 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। साधक, तंत्र मंत्र सीखने वाले साधक माता की पूजा उपासना करते हैं। इसके अलावा सामान्य व्यक्ति भी माता की उपासना करते हैं और माता रानी की कृपाओं पर अवश्य बरसती है। इन 9 दिनों में माँ धरातल पर रहती है और उनके आगमन से जो है पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। माँ के जयकारे से, जय माता दी, जय माता की इन मंत्रों से जो है, इन उच्चारणों से जो है पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। तो इन्हीं मंत्रों का जाप करते हुए, इन्हीं नामों का उद्घोष करते हुए जय माता दी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज मैं आपको चंद्र राशि परिवर्तन से जिन 5 राशि के जातकों के नवरात्रि के दिनों में शादी, सगाई और रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा, उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि पंजाब और वहां के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहां पर नवरात्रि के 9 दिनों में विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं, सगाई की जाती है, शादी की जाती है। वहां पर विशेष तिथि नहीं देखी जाती है, नवरात्रि में वो लोग शादी करते हैं। तो इस वीडियो में आपको उन्हीं 5 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके योग बन रहे हैं चंद्र राशि परिवर्तन से, यानी कि उनके रिश्ते निश्चित ही तय हो जाएंगे उन 5 दिनों में। क्योंकि ग्रह के राशि परिवर्तन चलता रहता है, चंद्रमा 2 दिनों तक एक ग्रह में, एक राशि में गोचर करते हैं और फिर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चंद्रमा का जब गोचर होगा उन 5 राशि के जातकों के लिए क्या क्या सुफल प्राप्त होगा उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपको A से Z यानी कि विवाह कब होगी से लेकर और विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन तक की जानकारी दी जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, क्या वह सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, निजी कंपनी वाला होगा, निजी कंपनी में कार्यरत करने वाला होगा, या फिर आपकी धर्मपत्नी कैसी होगी, कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी सुशील होगी, क्या वह सरकारी नौकरी करने वाली होगी, क्या वह नौकरी करेगी, या कुशल गृहलक्ष्मी बनेगी, संतान योग कितने संतान होंगे, प्रथम पुत्र प्राप्ति के योग हैं या पुत्री प्राप्ति के योग हैं, इसके अलावा उनका स्वभाव कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, उनके आपके माता जी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, पिताजी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, क्या वह कुशल गृहिणी बनेगी या फिर एकला चलो पद्धति को अपनाएंगी। तो तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, वीडियोज में भी दिए गए, थंबनेल पर भी दिए गए, 8528356708521835567। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो आप टेंशन ना लें और केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा लें और अपने जो टूटे हुए रिश्ते को आप बचा सकते हैं केपी की वाणी से संपर्क कर। यहां पर आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी दी जाएगी आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। जैसा ऐसा देखा जाता है कि बिना कुंडली मिलान के ही जातक विवाह कर लेते हैं और उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्ट में बीतता है क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि उनकी कुंडली में किस प्रकार के दोष लगे हैं। अगर वह ज्ञात हो जाए तो उसका निवारण अवश्य करा लेते हैं और अगर नहीं कराते हैं तो वैवाहिक जीवन कष्ट में ही बीतता है। तो आप अपवाद नहीं है, इसके बहुत से जातक हैं जिनका कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैवाहिक विवाह का, और कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने इनका निवारण करा लिया है, वो आजमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें और अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा। तो आज की वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं बता दूं शारदीय नवरात्रि। तो शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित होता है, माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा उपासना आराधना की जाती है। माँ इस 9 दिनों में धरातल पर आती है और अपने भक्तजनों का उद्धार करती है। माँ बड़ा ही दयालु और कृपालु, अपने भक्तों का हमेशा उद्धार करती, उनके दुख हर लेती है, उनके संकट हर लेती है और उनके सभी दुख संताप को दूर करती है और उनके जीवन में केवल ही केवल मंगल प्रदान करती है। तो माँ की महिमा बहुत निराली है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से, विधि विधान से, विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से और सच्चे हृदय से माँ की उपासना करते हैं, माँ के शरण चरण रहते हैं, तो यकीन जानिए माँ की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी। और एक बार अगर माँ की कृपा बस आप पर बरस गई, आपके परिवार पर बरस गई, तो फिर आप बेड़ा पार हो जाएगा और अगर विवाह में बाधा आ रही है तो आप नवरात्रि में विशेष उपाय कर सके। तो शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को प्रारंभ होगा, 23 अक्टूबर को समापन होगा यानी नवमी की तिथि। इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वही प्रथम दिन जो है शैलपुत्री, द्वितीय दिन जो है चंद्रघंटा, तृतीय कृष्णचार, चतुर्थी है कृष्ण मुंडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन जो है कात्यायनी माता की पूजा होती है,
सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। अष्टमी दिन अष्टमी यानी कि माँ दुर्गा की पूजा होती है। नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नौ दिनों तक लगातार माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। इन नौ दिनों में छठे दिन जो होते हैं वो विवाह के लिए समर्पित होता है, यानी कि विवाह के लिए उपयुक्त होता है। यानी आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं या करती हैं, शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। तो इसके लिए आप जो है एपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं विधि विधान के लिए। और वैसे सामान्य है कि आप उस दिन से विवाह के हेतु जो पूजा प्रारंभ करते हैं तो लगातार 40 दिनों तक उनकी पूजा करें माँ कात्यायनी की। और माँ कात्यायनी का संकल्प लेकर अगर आप 40 दिनों तक पूजा करते हैं तो आप अवश्य ही सुफल प्राप्त होगा। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। और अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो यकीन जानिए माँ की कृपा पर अवश्य बरसेंगी और न केवल शीघ्र विवाह होंगे बल्कि आपको मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा। तो षष्ठी के दिन जो है आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा 5 राशियों में गोचर करेंगे और इन 5 राशियों के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। यानी कि उन दिनों में आपके रिश्ते तय ही हो सकते हैं। इससे पूर्व भी कई ग्रहों का गोचर उन राशियों में हो रखा है। तो इसके बारे में विस्तार से आते हैं। तो पहले जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में, फिर बात करेंगे चंद्रमा के बारे में और फिर बात करेंगे विवाह के बारे में। तो चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो 15 अक्टूबर को जो हो रहा है वो तुला राशि में हो रहा है। 2.5 दिनों तक तुला राशि में रहेंगे और उसके पश्चात वृषक राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को। और फिर 2.5 दिनों तक वृषक राशि में रहेंगे और फिर 19 अक्टूबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। और धनु राशि में 2.5 दिनों के रहने के बाद 22 अक्टूबर को कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में और फिर 24 अक्टूबर को ये फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसके पश्चात पंचक प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि विजयादशमी की तिथि से ही जो है पंचक प्रारंभ हो जाता है। इन 5 दिनों में जो है यानी 5-10 दिनों में जो है नवरात्रि के 10 दिनों में जो है 5 राशि के जातकों के भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। मानसिक शांति के जो है सुख के कारक जो होते हैं चंद्रमा होते हैं। अगर आप मानसिक रूप से अशांत हैं तो समझ लें कि चंद्रमा कमजोर है। अगर माता जी की सेहत अच्छी नहीं है तो समझ लें चंद्रमा कमजोर है। अगर आप व्यर्थ में ही घर में पानी बहा रहे हैं, ज्यादा पानी खर्च कर रहे हैं तो चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको मानसिक अशांति होगी, तनाव होगा। इसके अलावा जो है इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। माता जी के साथ सेहत अच्छी नहीं रहेगी, उनके साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। तो इन चीजों का अवश्य आप ध्यान रखें। चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के कमजोर रहने से जातक को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें सुखों में भी कमी होने लगी है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव की पूजा आप जैसे ही करते हैं उतनी जल्दी ही चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन संध्या काल में जल में जो सफेद फूल डालकर जो है आप चंद्रदीप को जो है जल कार्य दें, इससे जो है चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा मजबूत होने से फिर जीवन में आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है शिवलिंग पर सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है अगर आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो भी चंद्रमा मजबूत। ऐसी परिस्थिति में जो है जातक अपने हिसाब से चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और एक बार चंद्रमा मजबूत हो गया तो फिर आपके विवाह और सगाई के योग अवश्य बने। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन 5 राशियों के बारे में। तो प्रथम राशि तुला राशि है। तुला राशि में सूर्य का भी गोचर हो रहा है, बुध का भी गोचर हो रहा है और उसके बाद चंद्रमा का भी गोचर हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहे तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के मध्य है, नवरात्रि में आपके सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें तो हर मंगलवार के दिन गरीबों के बीच मीठी चीजें बांटें। इसके अलावा नवरात्रि में 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक से आपके पुण्य सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वृषक राशि है। वृषक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप वृषक राशि के जातक हैं, आपके 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य एन और वाई नाम के जातक हैं, तो आपके लिए शुभ योग बन रहा है क्योंकि चंद्रमा का गोचर आप में होने जा रहा है। और चंद्रमा का गोचर जब आपकी राशि में करेंगे तो फिर आपके लिए 2.5 दिनों तक शुभ योग रहेगा। इस 2 दिनों में आपके लिए रिश्ता अवश्य ही आएगा। नवरात्रि के दिनों में फोन कॉल आ सकता है, अजनबी घर आ सकते हैं, रिश्तेदार घर आ सके, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा अगर आप वृषक राशि के जातक हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करें तो माँ की उपासना पूजा उपासना अवश्य करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शिव जी को चित्र और जल अर्पित करें, इससे भी जो है विवाह के योग बनते हैं। तो वृषक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा जो है अगले महीने नवंबर महीने में सूर्य का गोचर होगा, दिसंबर महीने में जो है शुक्र का गोचर होगा। तो आने वाला समय वृषक राशि के लिए बहुत ही शुभ है और इन दिनों में आपके पुण्य सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, माँ की उपासना उपासना पूजा उपासना करें। और वहीं अगर सिंह राशि से अगर विवाह करते हैं आप तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली जो राशि है वो धनु राशि है। तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है कि 2023 धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहा है क्योंकि इस साल धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल गई। इससे पूर्व 7.5 से पीड़ित थे धनु राशि के जातक, लेकिन 17 जनवरी 2023 को जो है धनु राशि के जातक 7.5 से मुक्त हो गए। तो अगर आप धनु राशि के जातक है तो आपके लिए शुभ योग है। नवरात्रि के 9 दिनों के मध्य में आपके लिए माँ की कृपा पर बरसेंगी और माँ की कृपा से आपको कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। अगर आप विवाह की इच्छा है दिन देख रहे हैं तो फिर इसके लिए भी शुभ समय है। बात करें वृषभ राशि की, अलावा धनु राशि के उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ई नाम के जातक के साथ पुण्य सूत्र में बनने के योग है। यानी इनमें से कोई एक नाम हो सका है जिससे विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। इसके अलावा मेष राशि के साथ धनु राशि का जो संबंध है वो बहुत सही रहा। अगली जो राशि है मकर राशि है। मकर राशि में भी जो है चंद्रमा का गोचर होगा और फिर कुंभ राशि में भी चंद्रमा का गोचर होगा। इन दो राशि
राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि की जो राशि स्वामी है वो शनिदेव है, आराध्य जो है भगवान शिव जी है, देवों के देव महादेव है, तो इन दोनों राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा नवरात्रि के दिनों में। और इन दिनों में जो है सूर्य के गोचर से भी जो है इनको फायदा होगा, क्योंकि इनके धन भाव और भाग्य भाव को जो है सूर्य देव की दृष्टि पड़ेगी, जो है सूर्य बुध के साथ जो है बुधादित्य योग बनाएगा, उससे भी इनको फायदा प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर कहे मकर राशि के जातक और कुंभ राशि के जातक दोनों के लिए ही आने वाला समय सही रहेगा, नवरात्रि का दिन समय सही रहेगा। नवंबर के महीने में जो है शनि मार्गी भी हो जाएंगे, उससे भी इनको फायदा प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आप मकर राशि के जातक है तो पश्चिम दिशा में, और बात करें कुंभ राशि के जातक है तो पश्चिम और पूर्व दिशा में वाकई योग बन रहे हैं। 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो बात करें नाम अक्षर की रूपी आ रहे हैं, नाम के जातक के साथ परमेश्वर में बदलने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप मकर राशि के जातक है तो एक्स नाम के जातक, वाई नाम के जातक, एन नाम के जातक, यानी वृश्चिक राशि के जातक के साथ, कर्क राशि के जातकों के साथ परमेश्वर में बदलने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि अगर कुंभ राशि और मीन राशि के साथ परमेश्वर में बंधे तो ज्यादा उत्तम होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय भाई।